वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, आज ये खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमें लॉन्ग आंसर लाइक क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, उसके बाद इस चैप्टर विल बी ओवर। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं क्या है ये, आपको सिंपली सिर्फ समझाना है क्या होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम उसको बोलते हैं जब फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और हमने शॉर्ट आंसर में पढ़ा था, एक्सटर्नल के एग्जाम्पल्स भी आप बता सकते हो। इंटरनल का एग्जाम्पल ह्यूमन बींग है और एक्सटर्नल का एग्जाम्पल फ्रॉग एंड फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब भी आपसे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा ना मार्क्स के अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन मेल। डिस्क्राइब करने का मतलब है आपको समझाना है, सिर्फ नेम्स नहीं लिखने। टेस्टिस का काम क्या होता है, दे प्रोड्यूस स्पर्म। वास डिफरेंस का काम क्या होता है, दे कैरी स्पर्म। बीच में सेमेन और वेसाइकल एक ग्लैंड आता है जो अपने सिक्रीशन उसमें सिक्रीट करता है और उसके बाद जो सिक्रीशन होती है वो एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को, और जो फ्लूइड मीडियम है उससे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है। ऑल राइट, और फिर वो उसमें इजीली मूव कर पाता है, मोटिलिटी बढ़ जाती है। ओके, ये होता है। उसके बाद फिर आपको बताना है यूरेथ्रा और पेनिस के बारे में। पेनिस के थ्रू रिलीज होता है, यूरिनेशन भी उसी के थ्रू होता है और इजैकुलेशन भी उसी के थ्रू होता है। ऑल राइट, और यूरेथ्रा एक ट्यूब है पेनिस में ही जिसके थ्रू ये सारी चीजें रिलीज होती है। अब नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट का फॉर्मेशन बताना है। जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका आंसर देने के लिए आपको पहले मेल गैमेट बताना है, फिर फीमेल गैमेट बताना है, फिर उनका फ्यूजन से यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करोगे, फिर बताओगे फर्टिलाइजेशन में कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट गिव राइज टू जायगोट, यानी कि जायगोट इज फॉर्म व्हेन अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस। ओके, अब ह्यूमंस में अगर बताओगे तो फिर वही बताना है आपको, स्पर्म और एग का फ्यूजन जो होता है उससे बनता है जायगोट, दैट इज कॉल्ड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, दैट्स इट। ज्यादा कुछ और लिखने की जरूरत है, 20 to 25 वर्ड्स में आंसर देना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। ये लास्ट क्वेश्चन है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर जब कोई लार्वी होता है ना वो कम्प्लीटली डेवलप होके कम्प्लीट एडल्ट बनाता है। ओके, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसके अंदर बेसिकली अगर फ्रॉग्स की हम बात करें तो उसमें होता है टैडपोल से कंप्लीट एक एडल्ट फ्रॉग बनता है, उसमें होता है थायरॉक्सिन हार्मोन इन्वॉल्व होता है, अगर पानी में वो हार्मोन प्रेजेंट है तो ही फ्यूजन, तो ही नेक्स्ट यानी कि तभी एडल्ट फ्रॉग बन पाता है। अगर ये हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा तो एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन नहीं होता। ये होता है मेटामॉर्फोसिस। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है फ्रॉम माय साइड। इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज कम्प्लीटेड। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडोलेसेंस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी, एंड प्लीज डू प्रिपेयर इट वेरी प्रॉपरली एंड गो थ्रू ऑल द वीडियोस प्रॉपरली। थैंक यू।